अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइपरबोला को किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। और अगर इक्वेशन में हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दिया होता है, ये एलिप्स के जैसा दिखता है, ठीक है, सिर्फ इसमें लेकिन माइनस होता है बीच में। अभी माइनस यहाँ पर भी हो सकता है एंड माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, तो हाइपरबोला कभी भी दो रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, लेकिन आगे माइनस होगा यहाँ पे। एक बार या तो वाई के साथ माइनस हो सकता है, एक बार या तो एक्स के साथ माइनस हो सकता है, तो दो हाइपरबोला बनेंगे। और हाइपरबोला कभी भी दिया होगा क्वेश्चन में तो साथ में दो पॉइंट भी दिए होते हैं, फोकाई जिसको बोलते हैं, एफ वन एंड एफ टू दिया होगा, तभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है। अभी मुझे फर्स्ट वाला ड्रॉ करना है, अगर तो देखना है आपको कि कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पे ड्रॉ कर देने का, ठीक है, यहाँ से ऐसा करके एंड यहाँ से ऐसा करके, और ये यहाँ पे पॉइंट होता है फोकाई वन एंड फोकाई टू, तो यहाँ पे पॉइंट दिया होता है हमें, तो उसी को लेके हम लोग ऐसा इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये किसके लिए, फर्स्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे डायग्राम बनेगा। अभी दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें क्या पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस पे बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ऐसा करके इस तरफ से ड्रॉ कर देना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फोकाई वन होता है और यहाँ पे फोकाई टू, मतलब पॉइंट दिया होता है फोकाई का मतलब, तो ये डायग्राम इसका है, ये डायग्राम इसका है, तो इस तरह से हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देख लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के, ये हो सकता है या तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस के, ठीक है। ये असिम्प्टोटस होता है, इसका मतलब बताता हूँ मैं, असिम्प्टोटस होता है, इसका मतलब क्या। अभी ये दो डायग्राम ये है, ये इसका बनाना है मुझे डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो इसमें देखना है कि के पॉजिटिव है कि निगेटिव, के कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर, तो के यहाँ पे पॉजिटिव है तो मुझे डायग्राम इस तरह से बनेगा, ऐसा करना है एंड ऐसा करना है, ठीक है। ये डायग्राम में मेरा किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक है। असिम्प्टोटस का इसमें मतलब क्या है, जो भी जो लाइन है ये कर्व का, ये एक्स एक्सिस के साथ साथ ही जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा कभी, समझा। तो यहाँ पे देखो साथ साथ में आ रहा है और यहाँ पे भी साथ साथ में जा रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा कभी, तो इसको बोलते हैं असिम्प्टोटस, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। एंड अभी के माइनस है, अगर के माइनस है तो इस तरह बना दीजिए, बना दो, ठीक है, के इस तरफ। अगर ये माइनस है तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, अगर प्लस है तो इस तरह का बनेगा। आपको एक के किस तरह से ड्रॉ हो रहा है वो नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन है तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर सॉल्व करना है उसके बाद हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है चीज़ें कि किस तरह से डायग्राम कौन से करूँगा, किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अभी इसके बाद देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी, देख लेते हैं कि किस तरह से ड्रॉ होगा। अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इक्वेशन होता है ए रेस टू एक्स, ऐसा हो सकता है या तो ए वाई इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू एक्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अभी कि वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ए कोई भी कांस्टेंट रहेगा नंबर, ठीक है, और पावर रेस टू एक्स है, तो मेरा डायग्राम जो वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स है ऐसा जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ई का वैल्यू क्या होता है 2.7 होता है, तो ये भी नंबर ही है कोई, तो ये डायग्राम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अभी 1/a भी हो सकता है, 2/ मतलब ऐसा, अगर ऐसा है वाई इक्वल टू 1/3 है रेस टू एक्स है, ऐसा हो सकता है, या तो वाई इक्वल टू 2/3 मतलब जिसमें जीरो में आंसर आए, जीरो पॉइंट में आंसर आए, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो जीरो में आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो जीरो में आएगा, ठीक है, जीरो पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसका डायग्राम बता देता हूँ मैं, दोनों बना देता हूँ साथ में। फर्स्ट वाले का इक्वेशन अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स, इसका क्या इक्वेशन बनेगा, उल्टा बनेगा, इस तरफ से बनेगा, इस तरफ से, ठीक है, वाई इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू एक्स, मतलब अगर जीरो में वाई इक्वल टू जीरो पॉइंट रेस टू एक्स है कुछ, तो इस तरफ डायग्राम, अगर वन में है या टू में थ्री में है पॉजिटिव नंबर है तो उस तरफ डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है अपने को कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जो ड्रॉ करना सीखेंगे बहुत सारे कर्व साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।